रशिया और यूक्रेन का विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रशिया ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे वो एक महीने पहले ही इनकार कर रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन ये रशिया को लगातार धमकियां दे रहे हैं, जबकि फ्रांस और जर्मनी रशिया को वार्निंग देने के साथ साथ सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करने में लगे हैं। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस अकेला देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, और जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के ऊपर इन दोनों ही देशों का दबदबा है, और फ्रांस और जर्मनी ये दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन तनाव मिलिट्री ऑपरेशंस तक न बढ़ जाए, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो इसमें और कई देश कूद सकते हैं, जिसके बाद ये युद्ध सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के देशों को अपनी चपेट में लेगा। इसलिए ये दोनों देश अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जर्मनी और फ्रेंच डिप्लोमेट्स ने यूक्रेन और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर एक सीज़फ़ायर स्थापित किया। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अचानक से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए चले गए। इस बीच जर्मनी भी चुपचाप नहीं बैठा था। जब इमैनुअल मैक्रोन पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे थे, तब जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी अमेरिका में जाकर जो बाइडेन के साथ मीटिंग कर रहे थे। शायद वो अमेरिका को समझाने गए होंगे कि रशिया की जो यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने की डिमांड है वो पूरी कर ही देनी चाहिए। लेकिन फ्रेंच और जर्मन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग करने के बाद पिछले कल जिस तरह की स्टेटमेंट जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया के सामने दी है, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस और जर्मनी की ये कोशिश बिल्कुल बेकार रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने अपने 1,27,000 से ज्यादा सैनिक, टैंक्स, तोपें, आर्टिलरी, आइकेंडर मिसाइल्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और कई सारे हथियार यूक्रेन बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल तैनात ही कर दिए हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि रशिया अपने 6 नेवल वॉरशिप्स को जो बाल्टिक सी में डिप्लॉयड थे वहां से मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयमेंट के लिए भेज रहा है, जहां पर ये सारे रशियन नेवल शिप्स नेवल एक्सरसाइज और वॉर गेम्स में हिस्सा लेंगे। मैप में मैंने रूट को भी हाईलाइट कर दिया है और मेडिटेरेनियन सी को भी अच्छे से मार्क किया है। मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी टर्की और ग्रीस के नीचे वाली साइड के ऊपर है, और इनके ऊपर वाली साइड है ब्लैक सी। रशिया ने पहले कहा था कि उसके नेवल वॉरशिप्स मेडिटेरेनियन सी में ही रहेंगे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने अपना सारा प्लान अचानक से चेंज कर दिया है। जैसे ही 6 रशियन नेवल वॉरशिप्स और एक सबमरीन सारा डिस्टेंस कवर करके मेडिटेरेनियन सी पहुंच गए थे, उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी में नहीं रुके, बल्कि अब ये टर्की स्ट्रेट्स को क्रॉस करके ब्लैक सी में एंटर हो गए हैं। पिछले कल रशिया ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि अब ये 6 रशियन नेवल वॉरशिप्स और एक सबमरीन ब्लैक सी में भी नेवल ड्रिल्स करेंगी। मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लैक सी के ऊपर वाली साइड यूक्रेन और रशिया सिचुएटेड है, इसलिए रशियन वॉरशिप्स और सबमरीन के इस ब्लैक सी वाले एरिया में एंटर होने से यूक्रेन के ऊपर हमले की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहां से यूक्रेन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर पहले भी रशिया की नेवल प्रेजेंस थी, जो कि अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि रशिया के 6 वॉरशिप्स ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने में सक्षम है, जो अटैक करने के काम आते हैं। इसीलिए अमेरिका, यूक्रेन और नाटो इस समय दहशत में है, क्योंकि रशिया बेहद आसानी से यूक्रेन के ऊपर तीनों तरफ से अटैक कर सकता है, वाटर, एयर और लैंड। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो क्या फिर अमेरिका या नाटो देश यूक्रेन को बचाने आएंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।